तो अभी हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, हम बात करेंगे अब आगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो सेल वॉल शुरू करते हैं। जो प्लांट सेल होती हैं उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ उससे एडिशन में एक और ऊपर रिजिड आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। प्लांट सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज से। ठीक है, अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। कहने का मतलब है उनका जो आकार है, जो संरचना है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम किसका? सेल वॉल का है। और वो किससे बना है? सेलुलोज से बना है। सेलुलोज उन्हें ये चीज़ प्रदान करता है। जब कभी भी एक लिविंग प्लांट सेल लूज इज वाटर बाई ऑस्मोसिस, तो होता क्या है, वहाँ पे सेल श्रिंक हो जाती है। मतलब श्रिंक हो जाती है जब सेल में से पानी निकलता है या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है सेल का। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है सेल के अंदर, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द सेल वॉल। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, आप एक छोटी सी बात समझिए, एक प्लांट सेल है, यहाँ पानी था। ठीक है, यहाँ ज़्यादा पानी था, यहाँ कम पानी था। ठीक है, तो होता क्या है, पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसमें श्रिंकेज हो जाएगा। इसी को हम कह देंगे प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इस शब्द को आप समझ में आया आपको? ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होना चाहिए या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होना चाहिए? किस सॉल्यूशन में होना चाहिए कि प्लाज्मोलाइसिस हो जाए, ये क्वेश्चन आपसे है। पिछली क्लास में हम जान चुके हैं वैसे। तो चलो एक हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं एक एक्टिविटी को। ठीक है, तो एक्टिविटी 5.6, इसमें चलो जानते हैं कुछ चीज़ों को। इस एक्टिविटी में देखिए, पढ़ते हैं कुछ। आपने एक लीफ ली है एक प्लांट की, रियो लीफ, वाटर में उसको आपने पील करके छील कर रख दिया है। ठीक है, इन वाटर। और अब क्या किया आपने, उसको एक स्लाइड के ऊपर रख दिया, एग्जामिन कर लिया है आपने माइक्रोस्कोप के अंदर। आप जब उसे देखते हैं तो उसके अंदर आपको ग्रीन ग्रेन्यूल्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गेनेल है, जो क्या होता है, उसके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। अब इसके ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाला है शुगर का या साल्ट का। ठीक है, डालते ही आपने लीफ को माउंट कर दिया है, लीफ माउंटेड ऑन द स्लाइड। आपने वेट किया कुछ समय तक, और फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी सी? आप खुद सोचिए, जब आपने अभी एक लीफ लिया था उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई कर दिया, किस सॉल्यूशन को अप्लाई किया आपने, शुगर को या साल्ट को? तो सिंपल सी बात है, शुगर या साल्ट यहाँ पे है, अंदर पानी ज़्यादा लीफ के, वो बाहर तब जाएगा तो क्या हो जाए, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा लीफ। सिंपल सी बात। अब दूसरी बात, नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। आपने गर्म पानी रख दिया, दिस किल्स द सेल, सेल को मार डालेगा ये गर्म पानी। तो देन माउंट वन लीफ ऑन स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप अंदर देखना शुरू करिए। फिर आप क्या करें, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालिए शुगर का या सॉल्ट का माउंट लीफ के ऊपर। ठीक है, वेट करना कुछ समय के लिए और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ? क्या आप देखते हैं कि प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, अब इन सभी के चीज़ों को देख लो, कैसे आप उत्तर निकालना शुरू करेंगे। देखो, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटी, इस गतिविधि से क्या निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स आर एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्व वाटर बाई ऑस्मोसिस। सबसे पहला कंसेप्ट निकल के आया है कि देखो भैया, जो लिविंग सेल्स होती हैं केवल वही ऑस्मोसिस शो करती हैं, वही पानी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा, ना कि डेड सेल। ठीक है, जब आपने रियो लीफ को गर्म पानी में डाला, बिल्कुल मृत कर दिया, तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। खास बात क्या है, सेल वॉल की प्लांट के ऊपर लगी हुई है, फंगस फंगस और बैक्टीरिया, इनकी इनमें भी सेल वॉल होती है। ये जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, किसी किसी भी कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसको ये सहन कर लेती है ना, विदाउट ब्रस्टिंग, बिना फटे ही। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाई ऑस्मोसिस, ऐसे मीडिया में हम देखते क्या सेल
वाटर को कंज्यूम कर लेती है, सेल स्वेल हो जाती है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है सेल वॉल के अंदर, और जो वॉल होता है वो एग्जर्ट करता है इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। तो सेल वॉल क्या करेगा, इक्वल प्रेशर को निकालेगा, ठीक है, स्वेलन सेल जो मोटी हुई उसकी तरफ वो धक्का मारेगा, बिकॉज ऑफ दियर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड वेरी ग्रेट चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम एंड देन एनिमल सेल। देखो पूरे का क्या कंक्लूजन है, एक लाइन में समझ लो तुम। देखो भाई एनिमल सेल जो होती हैं वो तो प्रेशर के धक्के को नहीं सहन कर पाएंगी, ठीक है, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, फट भी सकती हैं। लेकिन प्लांट के सेल के केस में हमने देखने को क्या मिलता है, अगर बात की जाए प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल भाई उसके ऊपर एक रिजिड सेल वॉल है भाई साहब, ये प्रेशर को क्या कर लेगी, ये ग्रेटर जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल मीडियम में उसको ये मैनेज कर लेगी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगी क्योंकि ये रिजिड है बहुत ही ज़्यादा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑस्मोसिस। तो ऐसा होता है, ठीक है, सेल वॉल उसको प्रेशर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके साथ विदस्टैंड रहेगी, ओके, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला प्लांट की सेल पर। अब बात करते हैं, अभी आपने सेल वॉल पढ़ लिया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस क्या है। तो सुनो, रिमेंबर द टेम्प्रेरी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड, आपको पता है जब हमने ओनियन पील का जो माउंट टेम्प्रेरी माउंट बना था प्रिपेयर किया था, पता है आपको हमने क्या किया, अब वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, अब हमने आयोडीन सोल्यूशन को उसके ऊपर डाला है, क्यों, हमें क्या देखना है, वॉट वुड वी सी इफ वी ड्राइड इफ यू ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन। भाई जब हम आयोडीन सोल्यूशन नहीं देखते हैं जब क्या दिखता है हमको, ठीक है, ट्राई इट और सी द डिफरेंस। आप क्या किया, दो स्लाइड बनाया आपने, एक में आयोडीन के साथ और एक में विदाउट आयोडीन के साथ, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे और आपको पता लगाना कि डिफरेंस क्या दोनों में। फर्दर वेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड, जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन आपको होता है ब्लूश कलर, डार्क ब्लूश कलर का होता है आयोडीन सॉल्यूशन, लेबोरेटरी में देखा होगा आपने। तो जब हम ओनियन पील के ऊपर इसको डालते हैं, इस आयोडीन सॉल्यूशन को, तो ये बताइए क्या हर एक सेल इसकी कलर्ड हो जाती है, पहली बात, ओके, चलो कुछ चीज़ों के बारे में हम उत्तर निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली, अब उत्तर नजर क्या आता है आपको, जब आप ओनियन पील को ऐसा आयोडीन सॉल्यूशन इसको ऊपर डालते हो और देखते हो चीज़ों को, तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं वही आपको कलर मिलेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका अलग अलग कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है, अलग अलग यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो इसी ही प्रकार से ही आयोडीन साथ रिएक्शन करेंगे और कलर शो करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशियली कलर्ड हो जाएंगे। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन, कुछ ज़्यादा डार्क नज़र आएंगे, कुछ कम डार्क नज़र आएंगे। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरेनिन, सैफरेनिन सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेल को स्टेन करने के लिए, सेल को कलर देने के लिए, इन केमिकल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी क्या नज़र आता है कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो तो जो केमिकल कंपोजिशन है सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स का, वो अलग अलग तरीके से उसके साथ रिएक्शन करते हैं, कलर शो करेंगे, ठीक है, स्टेन हो जाएंगे अलग अलग, कोई डार्क है कोई कम डार्क, तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया है। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम अभी प्लांट सेल की हमने बात की, अब हम ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखो एक्टिविटी 5.7, इसमें चलो पढ़ते हैं, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विद ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, आपने ग्लास स्लाइड ली, उसके ऊपर आपने पानी की बूंद डाल दी, यूजिंग आइसक्रीम स्पून, आपने चम्मच लिया, आइसक्रीम स्पून ली, और आपने क्या किया, जो आपका चिक है, जो आपका गाल है, इसके इनसाइड सरफेस को आपने खुरचना, स्क्रैप करना शुरू कर दिया। डज एनी मेटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, कि जब आप देखते हैं कुछ मेटेरियल आपकी चम्मच में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ए निडल, ठीक है, एक हम सुई का उपयोग करेंगे, निडल का यूज़ करेंगे, वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड सेपरेट इट इवनली ऑन अ ग्लास स्लाइड कैप्ट रेडी फॉर दिस। हम क्या करेंगे, जब आप किसी स्पून से स्क्रैच करेंगे अपने चिक को, तो उसमें वाइट वाइट मटेरियल से आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर, ओके, अब इस पे हमें काम करना है, अब इसको कलर करना है हमको, ठीक है, टू कलर द मटेरियल वी पुट ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया, एक ड्रॉप डाल दी मिथाइलिन ब्लू की, ओके, इस सॉल्यूशन की, इस केमिकल की। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप, अब इस मटेरियल को हम
क्या देखेंगे, स्लाइड को माइक्रोस्कोप अंदर देखने शुरू करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए कवर स्लिप ऑन इट। देखो अब आपने ऐसा रखा है तो अगर आपको ये देखना माइक्रोस्कोप में तो आपको ना कवर स्लिप इस पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखना एयर बबल ना बन जाए कवर स्लिप के नीचे, नहीं तो माइक्रोस्कोप में ढंग से दिखेगा नहीं, एयर बबल आपको दिखेगा। तो अब हम कोशिश करेंगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल वी सी, जो हमने सेल देखी है उसकी शेप कैसी है। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन सीट, इसको हम ऑब्जर्वेशन सीट पे ड्रॉ करेंगे। ओके तो ये हमें काम करने हैं, एक दूसरी बात और। वॉज देयर डार्की कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट सीट स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, क्या हर एक सेल के पास आपने जब ये देखा, आपने चिक्की सेल को लेकर देखा, तो क्या डॉट स्ट्रक्चर आपको सेंटर के नज़दीक नज़र आ रहा था, ठीक है, सेंटर के नज़दीक आ रहा था नज़र। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, हमने एक्चुअली इसको ही देखना था कि न्यूक्लियस है या नहीं है, केंद्रक है कि नहीं है। वर दिस सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन ओनियन पील सेल्स, क्या इसी प्रकार के ओनियन पील में भी आपने देखे थे न्यूक्लियस सेम प्रकार के। ओके तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया इस एक्टिविटी के माध्यम से, एक्टिविटी करके आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ हमको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है दोनों में, ठीक है, दोनों में एक जैसा न्यूक्लियस, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो न्यूक्लियस पढ़ लो, न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर्ड कवरिंग है, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी होती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो मटेरियल को अंदर ले सकती है, ठीक है, और बाहर भी पहुंचा सकती है मटेरियल को। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके यहाँ का है न्यूक्लियर पोर है, अंदर भी ले सकती है चीज़ों को, बाहर भी ले सकती है, गेट की तरह है वो। ओके दिस इज टू द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। देखो सिंपल सी बात, न्यूक्लियस बीच में होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये रहा लिक्विड सा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। देखो कोई चीज़ वो साइटोप्लाज्म में अंदर ले सकती है और कोई चीज़ जब उसे बाहर निकाल साइटोप्लाज्म में बाहर निकाल सकती है, ये बात लिखी हुई है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम होता है जो रॉड शेप का आपको नज़र आएगा, ठीक है, रॉड शेप स्ट्रक्चर उसका। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड क्रोमोजोम कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, जब क्रोमोजोम डिवाइड करता है तो उसके पास ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट्स की, ठीक है, जो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डालेगा किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। ओके डीएनए क्या है, एक केमिकल है जिसका नाम क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो क्रोमोजोम होते हैं वो वास्तव में डीएनए प्रोटीन से ही बने होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जिससे कि वो सेल को ऑर्गेनाइज कर पाए, सेल को कंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है, डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम उसके अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। ओके हर एक सेल में, इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, जो सेल डिवाइड नहीं करती उसके अंदर डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल विजिबलाइज इंटेंगल्ड मास, क्रोमेटिन को हम कैसा देखते हैं, इंटेंगल्ड मास, ऐसा गुथा हुआ सा ऐसा हम देखते हैं, मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो ऐसा आपको नजर आएगा, ये है क्रोमेटिन। ओके जो डिवाइड नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें हमें क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। क्रोमेटिन मटेरियल विजुअलाइज इंटेगल्ड मास वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, यही क्रोमेटिन मटेरियल जो आपको ऐसा इंटेंगल दिख रहा है जब डिवीजन की बात आती है यही क्या हो जाता है, यही धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा और क्रोमोजोम का रूप ले लेगा, ठीक है। चलो न्यूक्लियस एक सेंट्रल रोल की तरह काम करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द सेल सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, एक सेल थी न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में डिवाइड डिवीजन हुआ और ये दो सेल में बन गई है। इट ऑल्सो प्लेज क्रूशियल रोल along with the environment in determining the way the cell will develop and that form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. देखो सिंपल सी बात है, जो ये न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम है जो उसके अंदर केमिकल एक्टिविटी चल रही सेल के अंदर उसको डायरेक्ट करना, उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ओके ये काम किसका है, ये काम है न्यूक्लियस का। बोर हो रहे हैं मत होजिए, ठीक है, चीज़ों को समझते चलिए, मजे लेते चलिए। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरियम क्या देखने को मिलता है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू
द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमको ना बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होती, बैक्टीरिया में नहीं होती। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। प्रोकैरियोट आपको पता है ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस को भी हम ऐसा ट्रूली नहीं देख पाते हैं, इनका साइज भी 1 से 10 माइक्रोमीटर रहता है प्रोकैरियोटिक सेल का, है ना। एकैरियोटिक का सेल हमारे अंदर है। प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर देखने को मिलता है? बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। तो आपने क्या कह दिया कि सर इसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्यू टू, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। ओके, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग वन न्यूक्लियर ओनली न्यूक्लिक एसिड, दिस कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो केवल इसमें क्या भरा रहता है? न्यूक्लिक एसिड भरा रहता है। डीएनए की कोई बात ही नहीं करनी है हमें, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर भरा हुआ है। प्रोटीन के बारे में कोई बात नहीं है। इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक्स ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, प्राइमरी। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक। ओके, ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड कैरियोट्स। तो आपको समझ आएगा, आ गया होगा कि जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। ई का ई ई यू इसका मतलब होता है मॉडर्न, ठीक है, नया, न्यू। तो नया कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो इनका साइज होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक। 1 माइक्रोन मीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। ओके, तो आप जान लिए कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है। अब दूसरी बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द आउटर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर नहीं होते हैं प्रोकैरियोट के ऊपर, प्रोकैरियोट में। जबकि यूकेरियोटिक सेल में हमें ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मैनी ऑफ द फंक्शंस इन सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाई पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। कुछ फंक्शन जो इन ऑर्गेनेल्स को होते हैं वो जो साइटोप्लाज्म वो उनको ऑर्गेनाइज करता है, किन में? प्रोकैरियोट्स में। द क्लोरोफिल किस में काम करता है? फोटोसिंथेसिस में काम करता है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में जो कि क्या होता है? मेम्ब्रेन से अटैच होता है, एसोसिएट होता है। ओके, और जब ये एसोसिएट होता है तो मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेनस वेसिकल से, वेसिकल क्या होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बट नॉट विद प्लास्टिस एज इन यूकेरियोटिक सेल। जबकि देखो प्रोकैरियोट यूकेरियोट में एक और अंतर यहाँ पे बताया गया है कि बैक्टीरिया में किस प्रकार से आप क्लोरोफिल को देखते हैं, किस प्रकार से जो क्लोरोफिल है वो अटैच होता है मेम्ब्रेनस वेसिकल से, ठीक है, किस प्रकार से बैग लाइक स्ट्रक्चर उसमें होती हैं, ऐसा हमें यूकेरियोट सेल में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक और डिफरेंस और देख लो कि प्लांट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार से, जो मान चलिए कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं कुछ बैक्टीरिया भी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया करते क्या है? इनके अंदर एक अलग टाइप का मामला है क्लोरोफिल के साथ, और प्लांट में अलग तरीका का मामला है, ठीक है। यहाँ पे आप जान लो प्रोकैरियोटिक सेल देखने में कैसे मिलती है। न्यूक्लियोइड आपको पता है, न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर पोर्स में आपको क्लियर विजिबल ना हो सेल वॉल आपको दिख रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम, ये क्या प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। देखो जब आप ऑनिपिल के टेम्परेरी माउंट को देख रहे थे ह्यूमन चिक की सेल्स को, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपने देखा क्या होगा कि एक लार्ज रीजन आपको देखा होगा हर एक सेल के अंदर, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या थी? सेल मेम्ब्रेन पाई गई होगी, ठीक है। अगर आपने देखा माइक्रोस्कोप में जो यही रीजन है जो सबसे कम स्टेन होता है, सबसे कम कलर, आपने आयोडीन डाला, सेफ्रिन डाला, आपने मिथाइलिन ब्लू केमिकल डाला, तो जो सबसे कम स्टेन हो रहा है, कलर दे रहा है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूड कंटेनिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्लूड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट कंटेन्स मेनी सिंपलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, इसके ही अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस भी इसी के अंदर है, ठीक है भाई लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब कुछ इसके अंदर है, सेल ऑर्गेनेल्स सारे के सारे। तो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स इनके अंदर होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। ये हर एक सेल ऑर्गेनेल अपना खुद का अलग अलग काम करते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स आर इंक्लोज बाय द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इन प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अब देखा क्या जाता है कि सेल ऑर्गेनेल इंक्लूड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से,
ठीक है, बहुत सारे देखो ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं इनके चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि एकारियोट में तो ऐसा देखने को मिलता है, जबकि हम बात करें प्रकारियोट की तो प्रकारियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, तो ऑन द अदर हैंड एकारियोट सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इंक्लोज ऑर्गेनेल्स। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटिव द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, वायरस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, हैंज डू नॉट शो करेक्टर्स ऑफ द अंटिल दे एंटर लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अभी वायरस का ज़माना चल रहा है कोरोना, ठीक है, वो भी वायरस, तो वायरस के अंदर हमको देखने को क्या मिलता है, वायरस के अंदर हमें मेम्ब्रेन तो देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। और उसके साथ जो लाइफ के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जीवन की जो गुण हैं, वो भी देखने को नहीं मिलती हैं, सिंपल सो न्यूक्लियर प्रोटीन से बना हुआ होता है कोई भी वायरस, ठीक है। आपको पता है ये लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, ओके, वायरस। इसको कोई मशीनरी चाहिए, कोई बॉडी चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के, अगर इस शरीर से बाहर पड़ा तो नॉन लिविंग और शरीर में आ गया तो लिविंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारी मशीनरी को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, हाईजेक कर लेगा। तो चलो आपको गैप फिल करने हैं, मेरे को बताओ अभी तुमने पढ़ लिया है चीज़, चलो गैप फिल करने, प्रोकैरियोटिक सेल का आप देख लो साइज कितना, एकारियोटिक का सेल साइज देख लो, न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट का न्यूक्लियोट कहते हैं, अभी आपने देख लिया है रीजन यहाँ पे वेल डिफाइंड होता है, जबकि यहाँ पे रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर रीजन क्रोमजोम सिंगल और उसमें बहुत सारे क्रोमजोम होते हैं। एकारियोटिक के अंदर अपनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर एकारियोटिक के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे, अभी मैंने बता दिया आपको पीछे। चलो अब वन बाय वन पढ़ लेते हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। देखो एवरी सेल हैज मेम्ब्रेन अराउंड इट, कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखो सेल ऑर्गेनेल, देखो ये है एक सेल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में क्या तैर रहा है, सेल ऑर्गेनेल तैर रहा है, तो सेल ऑर्गेनेल के अंदर का जो कॉन्टेंट है वो साइटोप्लाज्म में ना आ जाए, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, ठीक है, ऊपर झिल्ली होती है, इसको एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इसके कंटेंट सेपरेट ना हो जाए, ठीक है, उसमें ना चले जाए। लार्ज कॉम्प्लेक्स सेल होती हैं जैसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की हैं, विद उनमें क्या होता है, नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट दियर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल उन क्या करती हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि उनके अंदर जो केमिकल एक्टिविटी चलती रहती हैं जीवन को चलाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए, तो सेल ऑर्गेनेल उसमें हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हमें बड़ा सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं। टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दी सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चरस, जिनको हम क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, विद इन देम सेल, तो बड़ी बड़ी सेल के अंदर मल्टी सेलों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जो कि उसके अंदर स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जिससे कि वो सेल को सपोर्ट कर पाए, उसको रेगुलेट कर पाए, ओके, सेल अपना काम कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है किसका, एकारियोटिक सेल का, जिससे कि हम इसी इसी अंतर से हम प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर में डिफरेंस बता सकते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल को हम जिसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं कुछ को। चलो आगे पढ़ते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन ए प्रीवियस सेक्शन, सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स सेल ऑर्गेनल्स विच वी डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गॉल्जी एपराटस लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वैक्यूल, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल्स। तो ये सेल ऑर्गेनेल के नाम आपने देख लिए, उनको अब हम वन बाय वन सभी को अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ER। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं और सीट्स की तरह भी हो सकती हैं, ये एक लॉन्ग ट्यूबल की तरह राउंड और ओबलोंग देखने को मिल सकता है ऐसा, ठीक है, वेसिकल्स बैगलाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। एंडोप्लाज्मिक में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो माइक्रोस्कोप में हमें रफ़ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम्स के, जो उसके सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। देखो प्रोटीन बनाने का काम किसका है? राइबोसोम का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब सेल में प्रोटीन का आवश्यकता है, ठीक है, तो राइबोसोम में जो प्रोटीन बनी है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ उसकी आवश्यकता है। अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल बनाने में, जिसका नाम क्या है? स्मूथ। स्मूथ फैट या लिपिड बनाने में ये काम करता है और वो सेल फंक्शन के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई फैट लिपिड, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फैट और प्रोटीन से बनी होती है। तो फैट और प्रोटीन कहाँ से मिल जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिल जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो देख लो, इसी चीज़ को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली का बनना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली बन गई। बायोजेनेसिस बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस जनरेशन। उस लिविंग जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है, उसको बनाने के लिए क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, प्रोटीन देता है उसको, फैट देता है, जिससे कि वो बन पाए। सम अदर प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड भी हैं जो एंजाइम तरह फंक्शन करते हैं, एंड हार्मोन्स। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ लिपिड हार्मोन्स तरह काम करते हैं, प्रोटीन्स किसकी तरह काम करते हैं? एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही तो होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, ठीक है। तो एंजाइम बनाएंगे, हार्मोन बनाएंगे। ऑल दो इसके बावजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन द अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल। हर एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपीयरेंस आपको डिफरेंट नजर आएगा। इट ऑलवेज फॉर्म्स इन नेटवर्क सिस्टम। ये कैसे बनाते हैं? कि नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो, एक एनिमल सेल का डायग्राम देख लो तुम लोग। एनिमल सेल में तुम्हें क्या देखने को मिलता है? गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, लाइसोम है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है, सारी सायंगल, ठीक है, साइटोप्लाज्म। चलो, दस वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत बड़ा फंक्शन क्या है? वो चैनल की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट करवाने में मटेरियल्स के, जैसे कि ज़्यादातर वो प्रोटीन्स का ही ट्रांसपोर्टेशन करता है बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो न्यूक्लियस में या फिर साइटोप्लाज्म में, या इन दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड करवाता है? बहुत सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाता है और अधिकतर वो क्या है? प्रोटीन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ये, साइटोप्लाज्म में डाल दिया है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग इस सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो वो क्या कहता है? जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए सरफेस, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र प्रदान करेगा जिसपे कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो पाए सेल की। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लिवर सेल के अंदर अब देखो क्या मिलता है। देखो, इन द लिवर सेल्स, इन लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिवर के अंदर जो भी डिटॉक्सिफाइंग जो पॉइजन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम होता है। आप दवाई लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो क्या करता है ये? उसके अंदर बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ये क्या करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई कर देगा, जो पॉइजन, जो जहर है, ड्रग्स है, उसको साफ कर देगा लिवर के अंदर से, ठीक है। तो लिवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है, चीज़ों को क्या है? डिटॉक्सिफाई, मतलब जहर को, पॉइजन को खत्म करना। तो जो अभी आप जो ऊपरी लाइन आप पढ़ रहे हो फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है सेल के अंदर, जिससे कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा सके सेल के अंदर। जैसे आपने एक एग्जांपल दे लिया कि बहुत सारे जहरीले तत्व हैं उनको शरीर से बाहर फेंकना, डिटॉक्सिफाई करना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें हेल्प करेगा। ओके, चलो नीचे अब एक डायग्राम देख लो, ये है प्लांट सेल। यार देखो ये बड़ा सा क्या दिख रहा है, दिस इज वैक्यूल। ओके, एनिमल सेल में छोटा सा होता है,
डिफरेंस नज़र अभी डिफरेंस जान लेना जब तुम इस एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे, जबकि जगह अभी पढ़ते चलो बिल्कुल ध्यान से। सेल वॉल इसमें देखने को मिलता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस एक साइड में होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर पानी, बहुत सारा साल्ट, शुगर वगैरह प्रेजेंट होता है। तो ये प्लांट सेल है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गॉल्जी एपरेटस। तो चलो शुरू करते हैं गॉल्जी एपरेटस। देखो सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था, वो थे कैमिलियो गॉल्जी, उनके नाम पे गॉल्जी एपरेटस का नाम रखा गया। अब गॉल्जी एपरेटस क्या है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, ठीक है, जो क्या होता है स्टैक्स की फॉर्म में, ऐसे स्टैक्स की फॉर्म में ये क्या होता है अरेंज होता है। पैरेलली आपको ऐसे स्टैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं सिस्टर्न्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं सिस्टर्न कहते हैं, ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। द मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो ध्यान रखना मैं आपको जो बात अब कहने जा रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी एपराटस, ठीक है, और लाइसोसोम, ये जो जी ई आर है, जो एक दो तीन नंबर पर आपको दिख रहा है ना, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये तीनों के तीनों एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे गॉल्जी एपरेटस चीज़ों को पैक करने में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ठीक है, चीज़ों को बाहर फेंकने में काम आता है, लाइसोम निकलने में काम आता है। तो ये जो तीनों के तीनों सेल ऑर्गेनेल है ना, गॉल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोम, ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं चीज़ों के आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ध्यान रखना। अब आगे देखो, द मेटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पास एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गॉल्जी एपरेटस। देखो ये बात मैंने अभी बोली, अभी कह रहा हूँ तुमसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज़ बनाता है उसको पैक करने का, डिस्पैच करने का, बहुत सारे टारगेट तक, सेल के अंदर, सेल के बाहर, किसके द्वारा होता है, गॉल्जी एपरेटस के द्वारा होता है, ओके। तो गॉल्जी एपरेटस का काम क्या है, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। आगे देखो इन वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है कि पैकेजिंग करेगा चीज़ों की, जो गॉल्जी एपरेटस स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गॉल्जी एपरेटस। तो कॉम्प्लेक्स शुगर भी ये बनाता है गॉल्जी एपरेटस। द गॉल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अभी कह रहा था मैं आपसे जर्ल है ना, तो गॉल्जी एपरेटस क्या बनाता है, लाइसोम भी बनाता है, चीज़ों को पैक करना, शुगर को स्टोर करना, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, स्टोरिंग, ये सब काम है गॉल्जी एपरेटस का। ये गॉल्जी कैमिली गॉल्जी का देख लो भाई, चेहरा देख लो, मूछें तो काफ़ी लंबी बना रखी है भाई साहब ने, है ना। तो ये हैं गॉल्जी कैमिली गॉल्जी। अब पढ़ते हैं लाइसोम। लाइसोम क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। आपके शरीर के अंदर जो भी वेस्ट को बाहर फेंकने का काम कौन करेगा, वो लाइसोम करेगा। लाइसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, साफ करेगा, ठीक है, जैसे झाड़ू आपके घर को साफ करती है, ऐसे लाइसोम आपकी सेल को साफ करेगा। तो ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को, जो भी बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आ जाएगा, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ जाएगा, उसको भी उसका काट के रख देगा लाइसोम, क्लीन कर देगा सेल को, सेल भीतर से मलनी शुरू हो जाए, मरनी शुरू हो जाएगी तो सेल को भी खाना स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है, डैमेजिंग सेल को भी ये निकल लेगा, तो ऐसे साफ कर लेता है। तो फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर एंट्री करता है, जैसे बैक्टीरिया है, फूड है, या कोई दूसरे उस सेल ऑर्गेनेल बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो वो सारा का सारा कौन खा जाएगा, उनको एंड अप कौन कर देगा, लाइसोम कर देगा। क्योंकि कैसे कर देगा, क्योंकि वो उनको ब्रेक डाउन कर देगा। लाइसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, आपके स्टोमक के अंदर, आपकी लार में टाइलिन एंजाइम, स्टोमक में पेप्सिन और बहुत सारे एंजाइम, वो क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं लाइसोम के अंदर, जो ब्रेकिंग करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का। तो समझ लेना कि लाइसोम ब्रेक डाउन करता है पीस, स्मॉल पीसेज में, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेकिंग डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, कुछ चीज़ गलनी, ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उन सबको खाने का काम कौन करेगा, डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। अब देखो एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, कोई सेल डैमेज हो गई तो लाइसोम क्या करेगा, ब्रस्ट हो जाएगा एंजाइम, फिर ब्रस्ट होने के कारण उसमें से एंजाइम निकलने शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्ट दे रहा हूँ एंजाइम, और लाइसोम क्या करेगा, सुसाइड बैग की तरह सेल को कब्जे में ले लेगा,
इसलिए इसको कहते हैं सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसा। और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये है स्टैक्स। स्टैक्स के अंदर ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं। ओके, जब देखेगा कि सेल बूढ़ी हो रही है, मर रही है, डैमेज हो रही है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को फाड़ कर अपने अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको बाहर फेंकना शुरू कर देगा। ओके, तो ये है भाई साहब लाइसोसोम। लेक्चर मैं समझता हूँ लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं, हमें दो ही पार्ट में ख़त्म कर देना पूरा चैप्टर, लाइन टू लाइन उसका पूरा जो निचोड़ है उसको देख लेना है। तो सुसाइड बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से इनके अंदर क्या है, फ्लूड भरा रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। दीज एंजाइम आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी लाइसोम के अंदर क्या करता है, एंजाइम बनवाने का काम करता है। ओके, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन वास्तव में एंजाइम्स तो हैं, ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, प्रोटीन से तो बनते हैं एंजाइम। ओके, बात को ध्यान रखना, भावार्थ को समझो, भाव को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी फॉर्म में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी क्या है, एक केमिकल है जो बना हुआ किससे है, एडिनोसिन नामक नाइट्रोजन बेस से और ट्राई फॉस्फेट से, ठीक है। इसमें एटीपी मॉलिक्यूल निकालने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जब हमारे शरीर को बोलने के लिए, बोलने, चलने, फिरने, टॉकिंग सब करने के लिए क्या है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी क्या है, एटीपी है, जो बनाता कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल की। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। देखो हम लोगों को, सेल को क्या है, अलग अलग केमिकल कंपाउंड बनाने हैं, ठीक है, कोई मैकेनिकल वर्क करना है, तो बॉडी को मैकेनिकल वर्क करना है, केमिकल कंपाउंड बॉडी के अंदर सेल के अंदर बनने शुरू होंगे, तो उसके लिए एटीपी की एनर्जी की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती हैं एक की जगह, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन कवर्ड होता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है भाई साहब इसका, अरे एटीपी बनाना कोई आराम, कोई इतना छोटा मोटा काम तो है नहीं। तो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपली फोल्डेड होती है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ऐसा, ये जो भीतरी मेम्ब्रेन है आपको ऐसी डीप मिलेंगी। ओके, तो ऊपरी मेम्ब्रेन आपको कैसी मिलेगी, पोरस मिलेगी। जो ये फोल्ड्स हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, लार्ज सरफेस एरिया कर देंगे, जिससे कि एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिसकी एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होते रहें, एटीपी बनता रहे। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके खुद के अंदर क्या है, खुद का डीएनए है, और खुद का क्या है, राइबोसोम भी है, प्रोटीन बनाने के लिए मैकेनिज्म है, खुद का डीएनए भी है। दस माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, ठीक है, कोई आपसे पूछे तो बता देना है, इसके खुद के पास क्या है, राइबोसोम बनाने की क्षमता है, और खुद के पास क्या है, डीएनए है। चलो अब पढ़ते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लास्टिड के बल्कि इसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर्ड प्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब वाइट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड। तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट कंटेन करने वाला जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो को क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है प्लांट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ साथ येलो कलर का, ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी इसके अंदर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, प्रोटीन ऑयल्स, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्टार्च एंड ऑयल, प्रोटीन, ये सब ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा अमाइलो प्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट, ये सब पड़े होंगे। तो कोई स्टार्च को स्टोर कर रहता है, कोई ऑयल को, कोई प्रोटीन, ये सब क्या है, ल्यूकोप्लास्ट हैं। ओके, आगे देखो, जब हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें प्लास्टिड को, तो उसके अंदर मेम्ब्रेनस, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर पाई जाती हैं, जो मटेरियल के अंदर दसी हुई होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है।
देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको ना ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको एक दूसरे से ऐसे कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये है, ये थाइलोकॉर्ड है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ स्ट्रोमा देखने को मिलेगा, थाइलोकॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेना देखने को मिलेगा। ये सारा ग्रुप ग्रेना का होता है, ठीक। तो ऐसी संरचना आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्लास्टिड के आपको ऐसे देखने को मिलेगी। तो मेम्ब्रेनस न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं जो मेटल के अंदर धसी हुई होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तरह ही सिमिलर होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम बनाता है, इसी प्रकार प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए होता है और खुद राइबोसोम ये बना देता है। ओके, तो चलो वैक्यूल की बात कर लेते हैं हम आगे। वैक्यूल्स देखते हैं, वैक्यूल्स क्या है। देखो वैक्यूल्स क्या है, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, पर प्लांट में बहुत ज़्यादा जगह घेरता है वैक्यूल, लेकिन एनिमल में बहुत कम जगह घेरता है। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक, सैक क्या होता है, जगह, ठीक है, वो स्पेस फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। देखो प्लांट सेल के अंदर जब सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने की बात आती है तो वो किस में स्टोर होता है, वैक्यूल्स में स्टोर होता है। वैक्यूल्स क्या होती हैं, स्मॉल साइज्ड, एनिमल सेल में स्मॉल साइज होती हैं, प्लांट सेल में बहुत ही लार्ज लार्ज साइज के होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। आप देख लीजिए प्लांट सेल के अंदर 50-90% जो सेल की वॉल्यूम है उसको अकेला सेंट्रल वैक्यूल घेर के रखता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। देखो सेल सैप, सैप का मतलब होता है जूसी पार्ट। देखो जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स हैं उसके अंदर वो सेल सैप से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है सेल को, ठीक है। टर्जिडिटी का मतलब होता है फूलापन, फूलना, इनफ्लेट हो जाना, ठीक है, स्वेलअप हो जाना, वो होता है टर्जिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है ठोसता, कठोरता। मेनी सबस्टांसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। इसी वैक्यूल के अंदर जो प्लांट के लिए, जीवन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे शुगर है, अमीनो एसिड है, बहुत सारे प्रोटीन है, उन सभी को स्टोर करके रखता है सेंट्रल वैक्यूल। दीज आर अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से अमीबा हो गया, तो अमीबा में जो फूड वैक्यूल होते हैं, अभी अमीबा के अंदर क्या देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। और जो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। जो अमीबा फूड आइटम्स को कंज्यूम करती है, तो कंज्यूम करने के लिए उसके अंदर क्या है, फूड वैक्यूल है, ध्यान रखिएगा। और जब कभी भी उसके अंदर वो डाइजेशन करने के बाद चीज़ों को, एक्सेस वाटर को और बहुत सारे वेस्ट को बाहर फेंकना होता, तो वैक्यूल के हिसाब से ही, वैक्यूल के जरिए ही उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है, अमीबा लेता किसी फूड वैक्यूल से। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, ये बताओ कौन सी दो सेल होंगे जिसका खुद के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, अभी पढ़ा है, बताना। दूसरा क्वेश्चन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल केमिकल इंफ्लुएंस व्हाट विल हैपन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दोबारा सुनो। देखो जब कभी भी किसी सेल का ऑर्गेनाइजेशन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन सेल इज डिस्ट्रॉयड बाय सम फिजिकल, भाई या तो फिजिकल चीज से आपने सेल का ऑर्गेनाइजेशन तोड़ दिया या केमिकल चीज से तोड़ दिया, तो क्या होगा, सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव। सेल अपने आप को क्या नहीं कर पाएगी, सेल अपने आप को रिवाइव अर्थात जीवित नहीं कर पाएगी और लाइसोसोम उसको खा जाएगा। आपको उत्तर समझ में आया, दूसरे का आंसर मिला आपको। देखो अगर आपने केमिकली या फिजिकली उसको तोड़ दिया, सेल को तोड़ दिया, तो अब समस्या क्या, अब ये समस्या है भाई साहब, अब वो सेल अपने आप को जीवित तो कर नहीं पाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो टूट चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अब डैमेज हो चुकी है, तो डैमेज चीज़ को कौन खाता, लाइसोसोम आएगा उसको कंज्यूम कर लेगा। समझ में आया आपको। चलो क्वेश्चन थर्ड, वाई आर लाइसोम नोन एज सुसाइड बैग, वाई सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है लाइसोम को, क्योंकि लाइसोम क्या करता है, लाइसोम के अंदर है एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो करेंगे क्या, चीज़ों को पकड़ इनगल्फ कर जाएंगे और खा जाएंगे, ठीक है। तो ये है लाइसोम का काम, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इन दाइज सेल, सेल के अंदर प्रोटीन बनती कहाँ पे है, आप बताने मेरे को कहाँ बनती है, राइबोसोम में बनती है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। तो चलो ये चार क्वेश्चन आपने किए, तो ये बहुत सारी बातें आपने जानी, वैक्यूल के बारे में जानी, तो चलो अब आगे देख लेते हैं। दस, इज सेल दज एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर,
उसका खुद का कोई स्ट्रक्चर होता है, उसकी खुद की कोई एबिलिटी होती है, सेल की खुद की एबिलिटी होती है ना, खुद की क्षमताएं होती हैं, आपको पता है, उनका खुद का एक स्ट्रक्चर है। बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक, क्योंकि उन्हें अपनी मेम्ब्रेन को ऑर्गेनाइज करके रखना, उन्हें बनाना क्या है, उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना है, स्पेसिफिक फंक्शन करने हैं, इसलिए वो अपने आप को में ऑर्गेनाइज करके रखती हैं हर एक सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, क्योंकि स्पेसिफिक काम करनी है उसको, सेल को जीवित रखना है, इसलिए हम क्या कहते हैं सेल को, दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, किलिंग वेस्ट मटेरियल लाइसोसोम एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स राइबोसोम वगैरह। तो इसलिए हम कहते हैं, देखो अब इसका पूरा सार आ गया है, दर्ज द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जब ये सारे के सारे ये काम करती है, भाई स्पेसिफिक फंक्शन करना है, सेल ऑर्गेनेल को ऑर्गेनाइज करके रखना है, मेम्ब्रेन को ऑर्गेनाइज करके रखना है एक स्पेसिफिक वे में, तो एक सेल बेसिक स्ट्रक्चर को कायम करती है, बहुत सारे काम करती है, रेस्पिरेशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना, इन सभी की वजह से हम क्या कहते हैं कि सेल फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। चलो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जो अभी पढ़े हैं उनको आपको ध्यान होने चाहिए। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाक फटाक करते हैं, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा इसको ख़त्म करवाने में। तो चलो पहला क्वेश्चन, मेक ए कंपेरिजन एंड राइट द विजन प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। भाई तो मैं पढ़ा दिया है, ठीक है, प्लास्टिड, माइटोकॉन, ये सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। भाई सेल वॉल कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, पता तुम लोगों को, ठीक है, किसके अंदर सेंट्रल वेक्यूल बड़ा है, किसके अंदर नहीं है, कौन फोटोसिंथेसिस करता है, कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो यार बहुत सारे आप लिख सकते हैं इसमें क्वेश्चन। तो हाउ इज प्रोकैरियोट सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकेरियोट, भाई अभी तो मैं पढ़ा रहा था मैं प्रोकैरियोट, यूकेरियोट सेल में डिफरेंस देख लो, पूरा अभी क्वेश्चन आया था ऊपर की तरफ जिसमें गैप भरना था आपको, स्पेस भरने थे, पता है आपको, रिक्त स्थान भरना था पूरा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। देखो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो क्या होगा, रप्चर हो जाए, फट जाए, क्या होगा। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटते क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस ही साइटोप्लाज्म है, ये टूट गई यहाँ से, तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो फ्रीली बाहर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, और जो बाहर का कंटेंट है, जो बाहर का कंटेंट वो भीतर आ जाएगा फ्रीली, है कि ना, बस ख़त्म बात। क्वेश्चन 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर इज नो गोल्जी एपरेटस। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं है, क्वेश्चन क्या है, अगर गोल्जी एपरेटस है नहीं तो जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा सेल के। देखो गोल्जी एपरेटस काम क्या, स्टोर करना चीज़ों को, ठीक है, पैक करना प्रोडक्ट्स को, पैक करना वेसिकल्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट्स को वेसिकल में प्रोडक्ट पैक करना। इफ देयर इज नो गोल्जी बॉडीज तो पैकिंग नहीं हो पाएगी, डिस्पैचिंग नहीं हो पाएगी ना, अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो सेल के अंदर, सेल विल बी स्टॉक्ड, सेल रुक जाएगा, सेल के अंदर जो काम है वो रुक जाएंगे। कौन सा सेल होंगे पावर ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, पढ़ चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन व्हाई डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कम्स टू द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, वेयर डू द लिपिड्स, लिपिड और कब बनते कहाँ हैं, भाई साहब लिपिड प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा अपना फूड कैसे लेता, तो आपको सिंपल सी पता है, उसके अंदर फूड वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस से भोजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर सूडोपोडिया होता है, फूड वैक्यूल होते हैं, ऐसे काम कर लेता है। ऑस्मोसिस क्या है, ये तुम पढ़ चुके हो बिल्कुल बहुत डिटेल में। क्वेश्चन 9 को देखते हैं, आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, टेक 4 पील्ड पटाटो हाफ एंड स्कूज, क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 एक एक्सपेरिमेंट है और उसको देखते हैं ढंग से क्या कह रहा है क्वेश्चन 9। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, आपने क्या कर दिया, एक आपने पटाटो लिया, ठीक है, 4 पटाटो लिया आपने, वो आपको ऊपर से छील लिए, आपने आलू को छील लिया ऊपर से, ठीक है, पटाटो को हाफ कर दिया, स्कूज ईच वन आउट टू मेक पटाटो कप, आपने क्या किया उसको भीतर से ऐसा खोल के ऐसा कप शेप बना लिया,
वन ऑफ द 30 कप पटाटो कप शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉइल्ड पटाटो, आपने पहले बॉइल किया था पटाटो को तभी बनाए थे। पुट ईच पटाटो कप इन ए टफ कंटेनिंग इन ए ट्रॉप कंटेनिंग वाटर, आपको पानी में रख देनी है। अब देखो, अब आपने चार लिए हैं, ठीक है, ये था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कीप कप ए एम्प्टी, आपने खाली रख दिया, ठीक है। बी में आपने क्या रख दिया, एक 1 टीस्पून शुगर, यहाँ शुगर है, इसमें शुगर है, ये एम्प्टी है। सी में क्या रख दिया आपने, आपने सी में सॉल्ट को रख दिया, सॉल्ट को रख दिया। डी में पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पटाटो कप डी, यहाँ आपने शुगर रख दिया, ठीक है, पर बॉइल्ड पटाटो है ये, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन कह रहा है आपने 2 घंटे तक इसको रख दिया। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, भाई ये बी था ये सी था। क्वेश्चन है बी और सी में जो खाली जगह होलो प्लेस है उस पे, उसमें आपको वाटर गैदर क्यों हो जाएगा। देखो, वाटर गैदर्स इन बी एंड सी बिकॉज दोनों सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है कि नहीं। वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द ट्रफ एंड वाटर इन द कप ऑफ पटाटो, भाई इसमें और पटाटो के अंदर जो वाटर है उसमें डिफरेंस है, तो ऐसे में हमें देखने को क्या मिलेगा, ऑस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। ऑस्मोसिस टेक प्लेस एज द पटाटो सेल एक्ट एज सेम परमिंग मेम्ब्रेन, तो इसमें ऑस्मोसिस देखने को हमें मिल जाएगा, और जब हमें ऑस्मोसिस होने को देखने को मिल जाएगा तो पानी गैदर हो जाएगा होल्ड पोर्शन में, है कि ना, ठीक है। हाई से लो कंसंट्रेशन भागेगा, वो तो हाई से लो की तरफ भागेगा, इसलिए पानी वहाँ जमा हो जाएगा। सेकंड, व्हाई इज पटाटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्या कह रहा है कि पटाटो ए नेसेसरी क्यों एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। अरे भैया कंपेरिजन कर रहे हैं आप, ठीक है, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इससे ही तो कंपेरिजन हो रहा है, ये तो आपने नॉर्मल रख दिया, ठीक है, तो कंपेरिजन के लिए इट एक्ट्स एज कंट्रोल, ये नियंत्रण के लिए काम कर रहा है यहाँ पे, सिंपल। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी, ए और डी के होलोड पोर्शन में पानी क्यों नहीं जम पाता, क्यों नहीं आ पाता। तो देखो यार, पानी गैदर नहीं हो पाता होलोड पोर्शन ए और डी के में, क्योंकि जो ए कप है उसमें कंसंट्रेशन का कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, सिंपल फॉर्म है पानी इसमें, एज कप ए डज नॉट हैव चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू फ्लो, तो ऑस्मोसिस देखना है इसमें, फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वन ऑफ द कंसंट्रेशन शुड बी हायर देन द अदर, अब ऑस्मोसिस इसमें हो नहीं पाएगी क्योंकि एक यहाँ ज़्यादा एक जगह कम होना चाहिए, ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब डी में क्या देखने को मिलता है, भाई डी में आपने बॉइल कर दिया, आपने चीज़ को ही मार दिया, ठीक है, गर्म कर करके इसको बॉइल कर दिया, तो सेल क्या होगी इसकी, डेड हो जाएगी। अब डेड हो जाएगी तो सेम परमेबल डजेंट एग्जिस्ट, सेम परमेबल मेम्ब्रेन तो डेड में एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिविंग एग्जिस्ट करती है, तो फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो कर पाएगा, तो नो ऑस्मोसिस, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।